अस्सलाम प्यारे बस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश। और आज मैं जा रही थी बाज़ार कराची, कोई देखते हैं, कोई आज जुमेरात है तो जुमेरात का कोई बाज़ार लगा हो, या वैसे किसी बाज़ार में कुछ घर की चीज़ें चाहिए थी। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे देते रहें। और कराची के आइंदा, क्योंकि मैं कराची शिफ्ट हो गई हूँ, घर की शिफ्टिंग के भी आपको सारे व्लॉग दिखाएं, और ये भी दिखाऊंगी कि मैं बाज़ार से क्या ला रही हूँ, क्या नहीं ला रही हूँ, कैसा है बाज़ार कराची का। पहली दफ़ा कराची शिफ्ट हुआ है, हैदराबाद की पैदाइश थी, हैदराबाद में ही रहते थे, लेकिन अब कराची शिफ्ट हो गए हैं बच्चों की खातिर, तो चलें देखते हैं आगे कैसा बाज़ार है। और ये हमारे बाहर का है, क्या कर रहे हो रिजवान? चेन में ऑयल डाल रहे हो या ऑयल में चेन डाल रहे हो? बस भाई, हमारी खचाड़ा बाइक है ये, लेकिन देखते हैं कराची की रोडों पे चलती है या नहीं चलती है। हैदराबाद में तो भागती थी ये, पता नहीं यहाँ चलेगी, आवाज़ कर रही है ये तो। हाय मानो, मानो क्या कर रही हो तुम, कैसे, कहाँ जा रही हो? ये बिल्ली भाग गई है भाई, बिल्ली का कलर अच्छा है। और ये बाहर का एरिया है हमारा, चलें आज बाहर का एरिया भी शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ। और रिजवान लगे मैं अपनी गाड़ी बनाने में। माय बैंक एटीएम, कुछ पैसे निकालने हैं तो मैंने कहा चलें आप लोगों से एटीएम भी शेयर करते हैं यहाँ का। और रिजवान यहाँ निकाल रहे हैं एटीएम से पैसे जी। अब हम यहाँ आए, यहाँ लगा हुआ है जुमेरात बाज़ार, और रिजवान चप्पलों के प्राइस पता कर रहा है कितने की बोल रहे हैं? 250। चलो जाके देखते हैं। ये तो हम खाने के स्टॉल में जा रहे हैं, बर्तन वगैरह भी हैं जी यहाँ। हाँ ये देखो, तुम्हारे काम की चीज़ें मिल गई, ये ले लो। हाँ ये जी। अच्छा ये अभी हमें चाहिए नए वॉशरूम के लिए ना। अच्छा ग्रीन लेंगे, क्योंकि ग्रीन है सब कुछ वहाँ पे ना, ग्रीन। और एक ब्रश भी ले। अरे ये मेरे काम की चीज़ भी मिल गई, ये रखे हुए। इसके क्या प्राइस हैं बड़े वाले के? 350। 350 का। और ये सबसे बड़ा है, इतना बड़े को क्या करना है? ये कितने का है? 550। इतने बड़े को क्या करना है, वो सही है, दरमियान है यार। ये अच्छा है, इसको सही लगवा लो। 550 बोल रहे हैं, लकड़ी का सारा सामान है ये तो है ना अपना, ये नहीं ले। क्या प्राइस है इन प्लेटों का? 550। 550 की 6 प्लेट है। ये नॉर्मल साइज है ना, ट्रेंड पे अच्छा है। इसके क्या प्राइस है? 110 की एक है, तो ये कितने की है? वो तो लोकल सी है, लोकल है ना। हाँ ये अच्छे लगे मुझे, डिज़ाइन भी थोड़ा अच्छा है, लेकिन अच्छा अभी प्लेटों की ज़रूरत नहीं है ना, छोड़ो। ये बड़ा साइज है, वो बड़ा साइज है, छोटे चाहिए ना कुटे मिर्च वगैरह के लिए। पूछना कितने के खुला हुआ होगा इनके पास। और यहाँ भी है देखो प्लास्टिक का सामान, ये कैसा है? ये तो बहुत बड़े चीनी वगैरह के, इस तरह की छोटी देखो, ये कड़क प्लास्टिक है ना, सॉफ्ट में देखो, ये देखो बस ये मिल गई। ये पूछो इनसे, ये कितने की दे रहे हैं? 200 रुपये का। 200 का जो मसाले नहीं आए, ये वाला साइज सही है। और ये कितने के? 700 रुपये के।
ये देखें, ये भी 200 के। अच्छा ये महंगे दे रहे हैं थोड़ा, 200-200 बोल रहा है। अच्छा इनके पास भी लकड़ी वाले वो है। इसका बड़ा इसकी दुकान पे कौन है ये, इसे पूछो लकड़ी वाला बेलन है इनका, छोटा साइज दिखा दे। वाइट पजामा भी रखा हुआ है, अब्दुलमान का एक कुर्ता ले लेते हैं यहाँ से। कितने कितने? और यहाँ मंगवाइए छोलों की चाट जो मैं और रिजवान खा रहे हैं। चक लेते हैं कैसी है। अच्छी है रिजवान, कैसी है? अच्छी है। शरबत कैसा है रिजवान? फालूदा है, फालूदा तो नहीं लग रहा, ये शरबत लग रहा है। मीठा तेज है इसलिए मैंने नहीं पिया। रिजवान साहब पी रहे हैं भाई, एंजॉय कर रहे हैं रिजवान साहब हैं। चले भाई, सामान ये काफ़ी सामान खरीद लिया है और अब चलते हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सभी ले ली हैं ऑलमोस्ट। और अच्छा बाज़ार है हमारे घर से काफ़ी करीब है, और मैं आ गई थी यहाँ रिजवान के साथ बाइक पे, सामान पूरा लोड कर दिया है गाड़ी में। चलते हैं घर, चल के मिलते हैं। और ये सारा सामान आ गया है, अभी बस कालीन पे रख दिया मैंने। और अच्छा भाई, यहाँ हम लोग बाज़ार से होकर आ गए थे और सारा सामान वगैरह ख़रीद लिया है, और अपने ब्लॉग का मैं यहाँ करूँगी एंड। और ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे देते रहें। आइंदा आप लोगों को किस तरह के ब्लॉग चाहिए तो उसी तरह के ब्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।